गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं बड़ौदा में, कल के आए हुए हैं और आज हमको कैलाश जी लेके जा रहे हैं घंटेश्वर महादेव, जो बहुत ही अच्छा महादेव जी का मंदिर है। बहुत पहले हमने देखा था जब हम छोटे थे तब, और अब लेके जा रहे हैं कैलाश जी हमें। तो चलिए चलते हैं। हमारी गुड़िया जो भी रेडी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, क्या पानी पी रहे? सब हो चुके हैं रेडी, बस सनू का वेट कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन है, उसका वो भी रेडी नहीं हुई है, कुछ किचन में काम कर रही है। चलो कितनी देर है, और हमारी बॉल से खेल रही है। और ये भाभी जी, गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। अब बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये हमारी गुड़िया रानी। तो चलो कितना टाइम है और? बस 2 मिनट। चलो चल विकी। और ये रहा हमारा आरू, आरू 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 आरू। ये हमारा स्वीट बॉय है आरू। दिख नहीं रहा मेरे बालों की वजह से, एक सेकंड अब दिखे। आलू आलू, अभी इसका मूड नहीं है, आलू को मूड नहीं है। रवाना हो चुके हैं, आ चुके हैं लिफ्ट में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हो? नदी माए नदी माए घंटेश्वर महादेव मारवाड़ी आ गई है भाई, नदी माए। हेलो भाई, अभी सफर शुरू भी नहीं हुआ, आलू हमारा सो गया। आलू सो गया, हम सोने के लिए जाते हैं सफर में। हम घूमने के लिए। चलो यार, मेरे पास ही है, ले लो। गुड़िया रानी हमारी, जतिन हाय, हेलो करो। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं और बच्चे ने अपनी सीट ले ली है। तो हो चुके हैं हम सब रवाना। ये रे भाभी, ये रे उधतरी वाला, और ये रानी। तो चलिए मिलते हैं आगे। ऑन द वे है, बस आने ही वाला है घंटेश्वर महादेव। ये हम, ये हमारी कार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घंटेश्वर महादेव, और बहुत ज़्यादा ही उमस और धूप है। मैंने दुपट्टा लेकर नहीं आई थी, भाभी जी से लिया मैंने दुपट्टा। और ये देखिए ना, क्राउड रहता है, इतनी भीड़, इतनी पार्किंग में कारें। और चलिए चलते हैं। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, चेकिंग हो रही है भाई, आराम से उतरो। जयदीप भैया आलू को लेते हुए, भाभी जी और ये सब जा रहे हैं नदी के पार। मुझे तो डर लग रहा है, चलते हैं। नदी के पास है फिर भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, धूप है। ये देखिए जा रही है हमारी गुड़िया रानी, जाओ आराम से, कोई डर की बात नहीं है। मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। नीचे इधर देख, ए नानो सनो। ए लानू पकड़ जा, घटो पकड़ ला।
हेलो अच्छे से नदी में नहा कर अब निकल चुके हैं हम और जा रहे हैं चेंजिंग रूम की तरफ, चेंज करके फिर मिलते हैं। फिलहाल आप देखिए पहाड़ों के बीच से निकलती है ये नदी अंतेश्वर महादेव। फ्रेश चेंज हमने कर लिया है और अब जा रहे हैं हम मंदिर की ओर, और बीच में गरम गरम भुट्टे मिल गए तो वो ले लिए और खा रहे हैं। आगे चल रहे बच्चे और ये रही मैं पीछे। तो बस मंदिर की ओर जा रहे थे और गुड़िया रानी को लेनी थी चॉकलेट्स, बर्थडे ले लो, चलो फटाफट लेट हो रहा है, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। शाम हो चुकी है, शाम को बज चुके हैं 6:30 के करीब, पर फिर भी इतनी उमस है, बहुत ज़्यादा बारिश हो नहीं है, बिल्कुल बारिश नहीं है, इसी चलते हो रही है उमस। सब आगे निकल चुके हैं हमारे साथीदार और हम रह गए पीछे। जस्ट बिकॉज नानू को लेनी थी चॉकलेट टॉफी। चलिए मिलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय। ये है फ्रेंड घंटेश्वर महादेव जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। ये रहा घंटेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। अच्छे से दर्शन हमने कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम वापस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो जेडी भैया तो हमारा पूरा ही लटपट हो गया पसीने से, ये गुड़िया रानी हमारी। गोलू हमारा, गोलू हाय, बैठ गया आराम से। चलो उतरो नीचे, आ जाओ आराम से, आओ गिरना मत। तो चलिए फ्रेंड्स अब निकलते हैं यहाँ से, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा ही, और हम फोटो शूट में और वीडियोस में लगे हुए थे। चलिए जाते जाते मंदिर से निकलते निकलते ही शाम हो चुकी है। ये लोग कर रहे हैं कुछ शॉपिंग। हमारी माला लेनी है यार। फाइनली निकलना ही होगा, इनकी शॉपिंग तो पूरी होगी नहीं, परेशान हो गए। सीधा मिलते हैं आपको कार के पास जाके, तब तक के लिए बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, वो सामने रिवर दिख रही है, वहाँ पे हमने अभी दोपहर के वक्त में स्नान किया था, और अब हो चुकी है एकदम ही शाम। बस एंजॉय किया हमने खूब खूब, एंजॉय करने के बाद में अब हम जा रहे हैं घर को। पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, ये देखिए। लेकिन पानी में बहुत मज़ा आया है ना। आ चुके हैं फ्रेंड्स पार्किंग के पास और अब होंगे रवाना, बहुत थक गए पर एंजॉय खूब किया। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, थोड़े से परेशान हुए पर एंजॉय काफ़ी किया, मज़ा आ गई। ये रही तीन गाड़ियां जिनमें हम सब आए थे, अब जा रहे हैं वापस रवाना। तो चलिए बैठते, बैठो सुनो।
भाई उस साइड में सन्नू बैठेगी, वो बोल रही है तो मुझे इस साइड बैठना होगा। तो चलिए चलते हैं। चुके हैं वडोदरा, ये देखिए। अब बस थोड़ी देर से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पहुँचने वाले हैं घर। तो पहुँच चुके हैं फाइनली घर। वो रहे कार के पास सन्नू, कैलाश जी, और ये रहे हम। सारे गीले कपड़े हाथ में लेते हुए जा रहे हैं। आई लिफ्ट। मजा आया दीदी भैया? थक गए बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बावना लाइफस्टाइल व्लॉग। बाय।